एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ गिवन दैट लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन डी ई एंड बी सी इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल का मतलब जो लाइन दो लाइनों को दो पॉइंटों पर काटे, ये दो लाइन दो पॉइंट दिख रहे हैं बी और जी, तो दिस टाइप ऑफ लाइन बी सी इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये दोनों एंगल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका नाम है एंगल ए बी सी और इस एंगल का नाम है एंगल डी जी सी। तो एंगल डी जी सी और एंगल ए बी सी दोनों इक्वल होंगे रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों ही 70 डिग्री के होंगे। वन एंगल 70 डिग्री का गिवन था, तो सेकेंड एंगल डी जी सी भी 70 डिग्री का होगा रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली लाइन बी सी इज पैरेलल टू ई एफ गिवन एंड दिस लाइन डी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, एंड ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने दोनों एंगल्स को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल डी जी सी इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के, और डी जी सी हम 70 डिग्री का पहले प्रूव कर चुके हैं, तो डी एफ भी होगा 70 डिग्री रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। लाइन एल एंड लाइन एम, वी हैव टू टेल दीज आर पैरेलल आर नॉट पैरेलल। तो 126 एंड 40 डिग्री आर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों अंदर की तरफ बने हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में भी हैं। अगर इन दोनों का सम 180 हुआ को इंटीरियर का सम, तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो 126 एंड 144 आर को इंटीरियर एंगल्स, मीन्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन सेम साइड में बने हैं दोनों। अब इन दोनों को ऐड करके देखेंगे 126 और 44 को 70 आ रहा है। तो बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फॉर लाइन्स एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। इसमें भी हमको ये बताना है कि लाइन एल और एम पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो इसमें ये एंगल 1 को हमने अपनी तरफ से लिख लेंगे, 75 डिग्री का ये गिवन था। यह एंगल 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये जो 1 और 75 हैं, ये दोनों इक्वल होंगे रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ध्यान से फिगर में देखेंगे, ये जो एंगल 1 और 2 हैं, ये 2 भी हमने अपनी तरफ से लिखा है, 1 और 2 इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 2 को हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 75 + 75 = 150। तो 1 और 2 जो कि को इंटीरियर थे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फॉर लाइन्स एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। थर्ड पार्ट, इसमें भी हमको यही बताना है कि लाइन एल और एम पैरेलल हैं या नहीं है। ये 57 डिग्री का एंगल गिवन था, एंगल 1 हमने अपनी तरफ से लिखा है और यहाँ हमने एंगल 2 लिख लिया है। एंगल 1 और 57 ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 2, तो ये जो एंगल 1 और 2 हैं, ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब इनको ऐड करते हैं, एंगल 1 + 2, 1 है 57 का, 2 है 123 डिग्री का, दोनों का सम 180 हो गया। तो बिकॉज को इंटीरियर एंगल हैव द सम इक्वल टू 180 डिग्री, therefore lines L and M are parallel। Question number 6 part 4। ये 72 डिग्री का है एंगल गिवन है, तो एंगल 1 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमने अपनी तरफ से एंगल 1 लिखना पड़ेगा। तो एंगल 1 हो गया 72 डिग्री का रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल यहाँ एंगल 2 हमने अपनी तरफ से लिख लिया है एंगल 2, और ये दोनों एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल। 1 और 2 को ऐड करेंगे, 72 + 98 = 170 आ गया। बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फॉर लाइन्स एल एंड एम आर
not parallel. Thank you.